जेंडर से ना जोड़े, जेंडर न्यूट्रल होता है, सेक्स अलग अलग होता है, यू आर बॉर्न अ मेल और अ फीमेल, ठीक है, वो भगवान की वो है कि आप मेल बॉर्न हुए या फीमेल बॉर्न हुए, बट हम ओवर द पीरियड सोसाइटी में क्या करते हैं, अरे लड़कियों की तरह क्यों रो रहा है ये, अगर लड़का इमोशन अपने एक्सप्रेस कर रहा है तो वो लड़कियों की तरह हो गया, अगर लड़का मतलब खाना बना रहा है रेस्टोरेंट में बना रहा है तो यस कमा के ला रहा है, घर में बना रहा है तो नहीं, तो इस चीज को बदलने की जरूरत है, आप लोग फ्यूचर हो इस कंट्री का, इसको साथ में इस अंडरस्टैंडिंग से आप चलेंगे तो डेफिनेटली यू नो एक चेंज सोसाइटी में जो हम चाह रहे हैं वो चेंज आएगा, और एट द एंड ऑफ द डे यही चीज बोलूंगी कि एम्पावरमेंट इज विद इन यू, एम्पावरमेंट बाहर से कहीं से नहीं मिलता है, आप जब अंदर से जो है स्ट्रांग होंगे तो आप सब चीज को फेस कर सकते हैं, एंड इट इज ऑल अबाउट यू और आप कैसे अपने डिसीजंस लेते हैं, इंडिपेंडेंस आपको मिलेगी बट डिसीजंस राइट लेने की जरूरत है, जो मैं बार बार अगेन एंड अगेन आई विल से टेक द राइट डिसीजंस, सही डिसीजन लीजिए, मदर को और फादर को दे आर ऑलवेज देयर टू गाइड यू और वो आपको सपोर्ट भी करेंगे, ये आपके ऊपर है कि आप सही डिसीजन लेकर सही चीज पर उनका सपोर्ट मांगिए तो आप भी जो है कहीं ना कहीं ऊपर मिलेंगे, जो मैंने आपके आई डोंट नो मैंने ये कोट आपके साथ शेयर किया कि नहीं किया, ये मेरा फेवरेट कोट है, मैं इसी से एंड करूंगी, एम फॉर द मून इवन इफ यू फॉल यू फॉल अमंग्स द स्टार्स, तो अपना जो आपका एम है उसको हमेशा ऊंचा रखिए क्योंकि ताकि कहीं उसके आसपास आप गिरेंगे तो आपको हमेशा अच्छा ही महसूस होगा, थैंक यू।